ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। उप मुख्यमंत्री ने की जन व्यवस्था एवं अभियांत्रिकी तथा विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में शुरू की गई महाग्राम योजना की समीक्षा के लिए हरियाणा के जन व्यवस्था एवं अभियांत्रिकी तथा विकास एवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और योजना के तहत चल रहे प्रगति कार्य का जायजा लिया। उन्होंने चालू कार्य में आने वाली पेचीदगियों को दूर कर उस कार्य को संपूर्णता की ओर ले जाने के निर्देश दिए। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सीवरेज सिस्टम के साथ सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी तथा गोबर के निस्तारण के लिए बायोगैस प्लांट लगाने की संभावनाओं को भी तलाशने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री की बैठक में बताया गया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के उन गांवों के लिए महाग्राम योजना शुरू की गई थी जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा हो। इस योजना के तहत इन गांवों में शहरों की तर्ज पर सीवरेज सिस्टम चालू करना था। इसमें 129 गांव का चयन किया गया था। तत्पश्चात ग्राम पंचायत के लोगों, कुछ विषय विशेषज्ञों तथा विकास एवं पंचायत विभाग के अलावा अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक वर्कशॉप आयोजित की गई। यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में 20 गांव में महाग्राम योजना पायलट के तौर पर प्रथम चरण में है, जबकि 38 गांव में द्वितीय तथा 71 गांव में तृतीय चरण में है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवरेज सिस्टम के साथ साथ उस गांव में सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी तथा हिसार जिले के नया गांव की तर्ज पर बायोगैस प्लांट लगाने की संभावनाओं को भी तलाश करें, ताकि पशुओं के गोबर का भी समाधान हो जाए। इससे लोगों को रसोई के लिए सस्ती बायोगैस उपलब्ध होगी तथा तेल व गैस के मामले में देश आत्मनिर्भरता की तरफ और तेजी से कदम बढ़ाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए संदीप कुमार की रिपोर्ट।